माई गॉड, अगर आप एक इंडियन BTS आर्मी हो तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वीडियो देखने के बाद आप में से कितने लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और आपको ऐसा ही लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि BTS सुपरस्टार जिमिन इंडिया में आकर इंडियन स्टेज पर इंडियन कपड़े पहनकर इंडिया का क्लासिकल डांस कर रहे हैं। तो यार आप ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन BTS आर्मी इस वीडियो को लेकर क्रेजी हो रही है। सबको ये लग रहा है कि जिमिन इंडिया आकर इंडिया की स्टेज पर परफॉर्म कर चले गए और हमें पता तक नहीं चला। तो क्या सच में जिमिन इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया का क्लासिकल डांस यानी भरतनाट्यम डांस किया? तो आर्मी इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। आपके सपनों पर मुझे पानी फेरना पड़ रहा है ये बताते हुए कि इस वायरल वीडियो में हमारे इंडिया की धोती पहनकर जो भरतनाट्यम डांस करते दिख रहे हैं वो BTS सुपरस्टार जिमिन नहीं बल्कि हमारे ही इंडिया में रहने वाले भरतनाट्यम डांसर हैं, जिनकी इस वीडियो ने BTS आर्मी और K-pop फैंस को सरप्राइज कर रख दिया है, क्योंकि हूबहू इनकी लुक्स और अपीयरेंस BTS मेंबर जिमिन से मिलते नजर आ रहे हैं। तो आर्मी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिमिन जैसे दिखने वाले ये जो क्लासिकल डांसर है इनका नाम है चार्ल्स मा, जो एक चाइनीज नेपालीज नागामैन है, यानी कि इनका जन्म नागालैंड चाइना नेपाल के आसपास हुआ था और इन्होंने हमारे साउथ इंडियन कल्चर को वहाँ के भरतनाट्यम को न सिर्फ अपने दिल में बसाया बल्कि आज वो उसके मास्टर हैं। वो एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और टीचर हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो आदि शक्ति स्कूल ऑफ भरतनाट्यम बेंगलोर में इस अकेडमी के डायरेक्टर हैं। वो पिछले 22 सालों से भरतनाट्यम डांस सिखाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी जिसमें उनकी लुक्स हूबहू BTS मेंबर जिमिन से मिलते जुलते नज़र आ रहे थे, जिसके बाद कोई बोलने लगा कि जिमिन जब इंडिया में आएंगे तो वो इस तरह परफॉर्म करेंगे, तो कोई इन्हें जिमिन के पापा बता रहा था। बट आई एम श्योर अब आपको इस वीडियो की हकीकत पता चल गई होगी। बाकी आपने जब इस वीडियो को पहली बार देखा तो आपका क्या रिएक्शन था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना।